राम राम जी। राम राम। राम राम। तो पहले तो अपना शुभ नाम बताए सर। मेरा नाम मेघराज सिंह है। मेघराज सिंह जी, कहाँ से? राणा सरकला। राणा सरकला से। तो ये बालोतरा मेले में यानी कि प्रथम स्थान रही है, पहला स्थान पे है रेवाल चाल में। अच्छा, तो इस घोड़ी के बारे में कुछ डिटेल से बताइए कि कौन सी घोड़ी? सिंधी नस्ल की घोड़ी है, पुरानी नस्ल की, जो प्योर सिंधी है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ये इनके शरीर दुबला पतला रहता है जी दिखने में, लेकिन इनकी जोश पावरफुल होता है। ये बहुत चलती है, थकती नहीं है जी, पसीना नहीं करती है जी, और बहुत स्वार पे होती है, उसके भी प्रेम रखती है। वैसे ऐसे लगाम लेके भागना वैसे नहीं है जी, लगाम की बहुत सैली होती है, इसको मानते हैं बहुत प्योर असली है ये, यानी रखनी पड़ती है सादा, सादा लगाम, सादा लगाम रखना पड़ता है। ये अपने चाल चलती है, रेवाल चलती है और बहुत मादरी में चलती है। इसका फर्स्ट नंबर जो चलती है, इसको चाल में जैसे चलाते वैसे चलती है। अच्छा जी, तो ये ज़्यादा है। कितने स्पीड से चल रही थी ये स्पीड? तो अब देखो ये मादरी में चल रही है वो तो लगभग 48 चलती है जी जी, और रेवाल में ये 27-28-30 चलती है, 32 चलती है जी। तो यानी कि ये बालोतरा मेला में, अभी ये तिलवाड़ा मेला में, कितनी कितनी घोड़ियों की कंपटीशन था, ये विनर बनी तब? 27 थे घोड़े, 27 घोड़ी थी। हाँ, और 27 में ये की थी, यानी कि 27 में से पहला स्थान पे आई है, प्रथम स्थान पे चलने वाले ये बेस्ट। तो इसकी उम्र कितनी है जी? 6 साल की है। उम्र की बात करें कितनी है इसकी? 6 साल की। 6 साल की, इसका ये बच्चा है। अच्छा जी, इसका बच्चा भी है? दो बच्चे दिए। अच्छा जी, तो आप ही के पास में है सर, उसे बच्ची लेके आए थे क्या? मेरी मेरी घर की है, पाली हुई घर की घोड़ी की। अच्छा, तो तैयार भी आप ही ने किया? मैंने किया, मैं खुद नहीं किया। अच्छा जी, इसको चलाया मैंने। अच्छा अच्छा, सर उसे आपने तैयार किया? मैंने खुद नहीं किया। तो आपकी तो काफ़ी उम्र हो गई, तो आपको तो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है। मेरे परिवार में पहले सभी हम घोड़े भी हैं, सभी रखते हैं, और शुरू से ही हमारा खानदानी ये परिवार घोड़ों से परिवार प्रेम। अच्छा, घोड़ों से प्रति प्रेम रखते हो? मेरे पिताजी है, मेरे दादू साहब, मेरे दादू के दादू साथी, वो भी ऐसे चलने वाले घोड़े, अच्छे घोड़े रखते थे। पहले मारवाड़ी नस्ल के भी थे और सिंधी भी थे जी, चाल बाज में हम सिंधी रखते हैं। तो आपको यानी कि परिवार में देखने के बाद में आपका लगन हुआ जी? अच्छा, सभी अभी शुरू से ही है परिवार से है, एक दो पूरे परिवार में, मेरा झालम सिंह का परिवार, उसमें मर्दस घोड़े हैं जी जी। तो आपने बहुत बढ़िया ट्रेंड किया और ये प्रथम स्थान रही जी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक इस बात के लिए कि बात प्रथम स्थान पे रही है, लेकिन इसका शरीर देखते हैं आपके लायक, आपकी तरह इसका शरीर है, लेकिन मेले में लगी नहीं कि ऐसे विनर बन जाएगी, लेकिन काफ़ी घोड़ियों के पीछे छोड़ देनी। ये तो एक पहले कहते थे रामदेव जी ने, तब वो कहाँ जाने के, लंका जाने के लिए कब बोला था नहीं जी, तभी बाबू के पड़ में बोलते हैं कि वो केड़ू के काम जैसी वो सारणनी थी जी, जैसी है बाबू जी के पड़ में जैसी होती है पंच कल्याण घोटी होती है। इसके पैर तो 3 सफेद है, तिलक पूरा है जी, देवमण है जी, इसलिए ये देवता रूपी घोड़ी है। देवता रूपी, देवमण होता है वो देवता रूपी घोड़ी मानी जाती है। कटमाल होती है जी, सो कटमाल उसी को बोलते हैं, जैसे पहले बाबू जी राठौड़ ब्याह में गए थे, उस टाइम पीछे उन्होंने गायों के जो सुनी थी, फिर वो चिड़ी बन के आई थी वो घोड़ी, पवन पंखी बन के, तो इनके अंदर देवला का अंश है, इनके जो हवा है नी जी, वो देवल के शक्ति की, इसीलिए चलती है, पसीना नहीं करती है, इतनी चलती है, इतनी थकती नहीं है जी जी, इतनी तेज चलती है, तो एक दो इसको फेरा लगा के फिर पड़ा तो इसका और ज्यादा रोष आएगा। अच्छा जी, एकदम इसको रोकना है तो बैठी बस, तो वहां से 4 पैर एकदम ब्रेक की तरह, ब्रेक की तरह कर, गाड़ी के ब्रेक भी फेल हो जाते लेकिन इसके ब्रेक फेल नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी बात, यानी कि जीतने के बाद में, यानी कि आप इस रैंप के ऊपर से चढ़ा दिए, काफी बड़ा रैंप है ये। हाँ, पत्थरीला, पानी में भी चलती है ये तो। अच्छा जी, पानी में भी चल जाती है, तो चेतक है। मैंने अगली बार इनके मेले वालों को ये कहना तो नहीं चले, मैंने कहा 30 फुट का खड्डा खोद के इसमें पानी मेणिया बिछा के जी जी, और दोनों तरफ रस्सी बांध के इसके ऊपर से फलांग चला के 30 फुट से ऊपर से चलाऊंगा मैं, इसको छलांग मार देती है पानी, मार देती है, यानी कि सभी तरह के गुण है इसमें। हाँ। वाह, संपूर्ण गुण की घोड़ी है जी, जी, जी। इसका नाम क्या निकाल रखा है जी? लक्ष्मी है ये। लक्ष्मी जी सर। वाह, तुम ये तो अच्छी, देखा जाए तो लक्ष्मी देवता रूपी लक्ष्मी माता होती है, लक्ष्मी भी है, मेरे लिए लक्ष्मी है। जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद साहब इस इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।